अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। CCPO लाहौर उमर शेख साहब एक दफ़ा फिर खबरों की जीनत बने हैं और हमेशा की तरह किसी अच्छे काम के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, CCPO उमर शेख साहब की एक ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें वो एक औरत को गंदी नंगी गालियाँ देते हुए सुनाई दे रहे हैं। मुबैना तौर पर उस औरत का ये दावा है कि ये कॉल मैंने खुद रिकॉर्ड की, CCPO को मैंने कॉल की थी, मेरे साथ बहुत बुरा किया है पंजाब और लाहौर पुलिस ने। मैं अपनी गुजारिशात पहले भी CCPO के साहब के पास लेकर गई हूँ, उन्होंने मुझे सिर्फ तसलियाँ दी और कुछ नहीं किया, और अब तो तसली भी नहीं देते बल्कि अब तो सिर्फ गाली देते हैं। उस औरत के मुताबिक उसने CCPO को दोबारा इल्तजा करने के लिए कॉल की। आगे CCPO ने उस औरत के साथ जो किया वो ऑडियो कॉल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने खुद फैसला करना है कि इन साहब को क्या ऐसे ओहदे पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इतना बदतमीज इंसान, अगर तो ये CCPO साहब है, अगर तो उमर शेख साहब है, जिसकी मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अनकरीब तरदीद करेंगे कि जी तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन वो औरत ने बड़ा अच्छा काम किया, वो उनके दफ्तर पहुंच गई, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसने क्या कहा मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप जरा ये ऑडियो सुनिए जो शेख साहब के मुंह से फूल झड़ रहे हैं इस वक्त, सुनिए जरा। हेलो जी, अस्सलाम। कौन सर? मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो। कुत्ते दी है बच्ची है, मैंने फोन ना करी बगैर थे जी। हाँ दोस्तों, ये थे हमारी लाहौर पुलिस के सरबरा जनाब उमर शेख साहब, जो बड़े भाषण दे रहे थे। आपको याद है जब मोटरवे का केस हुआ सारा, उसमें कैसे भाषण दे रहे थे ये कि उस औरत को अकेले निकलना नहीं चाहिए था, उस औरत को रात के वक्त नहीं निकलना चाहिए था, ये फलां चीजें इखलाक किया। खुद अपना इखलाक देख लें, ये इंसान शर्म नहीं आनी चाहिए यार। आप इस पुलिस के सरबरा हो, आवाम आपसे आंसे लगाई बैठे है, और आप गंदी गालियां निकालते हो। फर्ज करो एक लम्हे के लिए औरत गलत पर है, मैं आपको औरत का मौका सुनाऊंगा, उसके गाली पड़ी क्यों, उसने क्या इल्तजात की थी, मैं आपको यह भी सुनाता हूं। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज कर लो औरत गलत पर थी, आप गालियां क्यों निकालते हो यार? आप उसको बीबी तुम्हारी बात मैं नहीं सुन सकता, तुम गलत बात कर रही हो, बात खत्म। गंदी नंगी गालियां, आप सोच लें कि इस बंदे के दफ्तर में एक आम बंदे का, एक आम साइल का क्या हाल होता होगा जो एक औरत की इज्जत नहीं करता गंदी। और नो डाउट ये बंदा अगर औरत की इज्जत नहीं करता, इसी वजह से इसको मोटरवे वाली जो खातून थी जिसके साथ इतना बुरा सानिया हुआ, उसके करैक्टर पर भी ये बंदा शक कर रहा था। दिमाग ही ऐसा आदमी का, मिजाज ही ऐसा आदमी का, मैं समझता हूं कि तरबियत ही ऐसी है इस आदमी की। मैं बहुत इज्जत करता था यार इस आदमी इंसान की, बड़ा काम किया है। पहले तो फ्रॉड किया इतना बड़ा, वो जो आबिद के साथ, जो आबिद की गिरफ्तारी वाला फ्रॉड इन्होंने किया, उसके बाप ने खुद पकड़वाया, ये अपने तमगे यहाँ पे मेडल सजा के फिर रहे थे कि हमने पकड़ लिया, कहां से पकड़ा आपने भाई? अच्छा अब मैं आपको बताता हूं जो औरत है उसने क्या कहा। दोस्तों औरत की तस्वीर भी आपके सामने आ गई है, वो औरत खुद भी अपने सामने आ गई है। इस औरत का दोस्तों ये कहना है कि उसका जो शौहर है उसको पुलिस ले गई। वो कहती है कुछ दिनों पहले पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोला, मेरा शौहर उठा के ले गई। अच्छा SHO ने कहा इस, ये औरत रिहायशी है लाहौर रायवंड की, जहाँ जाती उमरा भी है, मियाँ साहब का घर भी है। इसने कहा कि जी मुझे बाद में SHO ने कहा कि जनाब आप जो हैं वो 20 लाख रुपया दें, ये लड़की इल्ज़ाम लगा रही है, औरत इल्ज़ाम लगा रही है, आप 20 लाख रुपया दें नहीं तो तुम्हारा शौहर मार दिया जाएगा। मतलब पुलिस है कि गैंगस्टर्स हैं, ये वो औरत इल्ज़ाम लगा रही है। वो कहती है जी मेरे पास एक मकान था, मैंने मकान बेच दिया अपने शौहर की जिंदगी की खातिर, 20 लाख रुपये दे दिए, मेरा शौहर फिर भी वापस नहीं आया। तो मैं CCPO के दफ्तर गई, मैंने वहां पे जाके इल्तजा की, मैंने हाल दुआई की, कोई मेरी कोई बात सुनो, मेरा मकान भी चला गया, मेरा शौहर भी नहीं आया, पुलिस कहती है बंदा मार देंगे तुम्हारा, ये हो क्या रहा है? उस पर हो सकता है उस औरत ने बार बार कॉल की, वो देखे ना शौहर गायब है यार बेचारी का, आपने देखा तस्वीर में 3 बच्चे, उसके बच्चे भी हैं वहां पर, उसका शौहर गायब है। अच्छा वो इल्तजा कर रही है, हो सकता है उसने कोई एक आध से ज्यादा दफा फोन कर लिया हो, CCPO साहब की आराम में खलल आ गया हो, वो डिस्टर्ब हो गए हो। उस बंदे ने गंदी गालियां देना शुरू कर दी। अभी ये देखे, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये औरत क्लेम कर रही है मुबैना तौर पे, अगर तो ये बात सच है, अगर तो ये ऑडियो टेप सच है, तो फिर मैं समझता हूं CCPO साहब आपको इखलाकी तौर पे उतर जाना चाहिए सौदे से, क्योंकि आप एक से ज्यादा गंद मार चुके हैं। अगर तो ये सच है तो वो जो मोटरवे वाला गंद, उसके बाद अपने उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए आपने बार बार ऐसे फजूल बयान दिए, और अब आपने ये हरकत की है।
आपको इखलाकी तौर पर जवाब ही नहीं बनता कि आप इस ओहदे पर रहे, आप लाहौर पुलिस की सरबराही करें, बेड़ा गर्क करके रख देंगे आप मजीद भी इसका। मतलब आप मुझे बताएं कि एक आम साइल क्या आपके दफ्तर में घुस सकता है जिस आदमी की जुबान पर गाली हो, टेलीविजन पर बैठ के यार ऐसे ऐसे भाषण देते हो आप, न जाने पता नहीं कितने कितने पारसा नेक इंसान हो आप, शर्म नहीं आती कौन से बात करते हो, गंदी गाली निकालते हो, आपके घर की आपके घर के मां बहन की ऐसे साथ कोई सलूक करे कैसा लगेगा। मुझे पता है आप पुलिस वालों की जुबान बहुत गंदी हो चुकी होती है, आप वैसे ही जुबान के तौर पे बड़े वो मैं क्या कहूं गंदे हो चुके होते हो जुबान के हवाले से, चोरों डाकुओं से बात कर करके। लेकिन यार कोई तो मां बहन औरत का ख्याल कर लिया करो, उस औरत ने चोरी की है, डाका डाला हुआ है, या आप ही को चोरी करके भागी हुई है वो, थोड़ा सा तमीज से बात करके देख लो यार। ये सूरत हाल है जी, मैं तो इंतजार करूंगा वजीर आला पंजाब साहब से कि इन साहब के थोड़े रवैये पे गौर करें, इन साहब को आपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, इनकी वजह से अपना आपने अपना पांचवा आईजी घर भेज दिया, इतना मजबूत कर दिया आपने साहब को, और इसको ये लगता है कि चूंकि हर कोई मेरे साथ है, क्या कहते हैं, हर कोई मेरे साथ होता है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब आप इस बंदे की ऑडेसिटी चेक करें कि एक औरत सिर्फ आपसे पूछ रही है जो मेरी फाइल, और आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हो। एग्जैक्टली देखिए कोई तो वजह है कि आईजी साहब कह रहे थे कि ये साहब जो है वो मनमानी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इन्हीं साहब के दफ्तर में इनका एसएसपी इनका गिरेबान पकड़ने लगा था क्योंकि इन्होंने उसको गंदी गाली दी। इससे पहले एक इंस्पेक्टर ने यह कह के रिजाइन कर दिया कि आप सर सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे गंदी गाली नहीं दे सकते। इन साहब के मुंह पे गाली हर वक्त होती है, आपको याद है ना, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इनके दफ्तर के अंदर एक साहब थे एसएसपी है मेरे ख्याल है, वो थोड़ा लेट आए बीमार, तो उसने कहा जी मुझे बहुत सख्त बुखार है, उन्होंने कहा नहीं तुम पहुंचो, ठीक है वो आ गया, थोड़ा लेट आया, इसने गाली देना शुरू कर दी फिर से वहां पर। तो बात सुना है कि तल्ख कलामी नहीं, हाथा पाई तक आ गई, बाकी अफसरान ने छुड़ाया, मैंने उस एसपी साहब ने जड़ देनी थी सीसीपीओ साहब को, खाक इज्जत रह जाती। इससे पहले एक बेचारा इंस्पेक्टर था उसको गाली दे दी ऐसे ही सर आम सबके सामने, वो रिजाइन करके चला गया, जी मैंने नौकरी नहीं करनी है वाली जिसमें इज्जत ना हो। इस बंदे को कोई टेम करे कि भाई ठीक है सख्ती करनी है, रूल ऑफ लॉ भी इंप्लीमेंट करना है, पर थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, जुबान इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। आप क्या हो, आप कोई कोई वो हो, आप कोई थड़े पे बैठने वाले वो आप हो, इंसान हो, सीसीपी हो यार, अपना ओहदा देखो, अपने ओहदे की थोड़ी लाज रखो, चार बंदों में बैठ के बात करते हो जैसे पता नहीं क्या मुंह से कुछ। देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा ऐसे अल्फाज, बहुत मसला ये ना कि हमारी वो तरबियत नहीं है, सीसीपीओ साहब तो खुल के गंदी गालियां गंदी बात कर जाते हैं, हमें लाख दफा सोचना पड़ता है कि अगर हम किसी के बारे में चाहे वो कितना ही गलत उसका उसका कंडक्ट क्यों ना हो, हम किसी के हवाले से ऐसी बात ना करें। मैं चाहूंगा इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिएगा, आखिर में अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।